राजस्थान में क्रिकेट पिछले कुछ समय से पटरी से उतरा हुआ है। बीसीसीआई ने आरसीए को बैन कर रखा है, जिसकी वजह से न केवल राजस्थान क्रिकेट को नुकसान हो रहा है, बल्कि जिला लेवल की क्रिकेट भी बर्बादी की ओर जा रहा है। लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिन्हें इन सभी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वे जमीन से उठकर आसमान को छू रहे हैं। इन्हीं में से एक खिलाड़ी है आदित्य गढ़वाल। सीकर जैसी छोटी जगह से निकलकर आदित्य ने राजस्थान की सीनियर टीम तक का सफर तय किया है। आदित्य का ये सफर इतना आसान भी नहीं था, लेकिन खुद की मेहनत और पिता के सपने के कारण उन्हें इस सपने को सच करना ही था। आदित्य के माता और पिता दोनों जॉब करते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने आदित्य के क्रिकेट पर पूरी मेहनत की है। राजस्थान का एक ऐसा जिला जिसे शायद 10 साल पहले तक क्रिकेट की फील्ड पे ज्यादा नहीं जाना जाता था, लेकिन नाम बदला। वो नाम बदला एक खिलाड़ी की वजह से जिसका नाम है आदित्य गढ़वाल। इस वक्त हम सीकर में हैं, जहाँ पे आदित्य की जो एकेडमी है उसमें, और आदित्य यहीं से सीखते हुए आगे बढ़े हैं और जो नेशनल पहुँचने का जो सपना है वो इसी एकेडमी से उन्होंने देखा है। अभी फ़िलहाल वो राजस्थान टीम में हैं और लगातार अच्छा प्रदर्शन कर नेशनल लेवल के लिए अपनी जगह के लिए दावा ठोक रहे हैं। हमारे साथ आदित्य हैं। आदित्य, सबसे पहले न्यूज़ इंडिया पे स्वागत है। थैंक यू सो मच। आदित्य, इस एकेडमी से आपने स्टार्ट किया, एकेडमी से लेके और राजस्थान की सीनियर टीम तक जाना, कितना मुश्किल और कितना अच्छा सफ़र रहा? नहीं, सफ़र हमेशा चैलेंजिंग तो होता ही है जब भी आप क्रिकेट, क्योंकि इतना कॉम्पिटिटिव फील्ड है, आपको बहुत सारा कॉम्पिटिशन होता है, प्लस सीकर से छोटी जगह में रहना, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हमेशा से यहाँ पे थी। बट जो भी हमसे बेस्ट हो पाता था, अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 विकेट्स हैं, सीमेंटेड विकेट्स हैं। पहले सिर्फ 1 विकेट हुआ करता था, उसके अंदर भी रोलिंग हम लोग खुद ही करते थे, तो काफ़ी मुश्किल चीज़ें रही है। बट मेरे हिसाब से अगर आपने किसी चीज़ का निश्चय कर लिया कि अगर आप क्रिकेट के फील्ड के अंदर आगे बढ़ना है, तो फिर आप बहानों की जगह आप मौके ढूंढते हैं। इंसान चाहे तो किसी भी जगह से कुछ भी करके कैसे भी अपना तरीका निकाल के आगे बढ़ सकता है, और मेरे लिए सफ़र हमेशा चैलेंजिंग भी रहे और बहुत मज़े भी आए सफ़र के अंदर। आपको कब लगा आपकी लाइफ में कि आप क्रिकेट को अपनी मतलब ज़िंदगी या अपना करियर बना सकते हैं? जब फर्स्ट टाइम पे जब अंडर 16 स्टेट की टीम में सेलेक्ट हुआ था, तो उस टाइम से मुझे से लगा था कि भाई ये प्रोफेशन है। और मैंने उस साल कुछ 2-3 अच्छी इनिंग्स खेली, तो मेरे कोच सर थे, उन्होंने मुझे काफ़ी प्रशंसा की कि आप अच्छा कर सकते हो लाइफ के अंदर। तो मुझे तब उस ऐसे लगा, उस टाइम से काफ़ी सीनियर प्लेयर्स ने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया, अशोक मिनारिया भी हो गए, राजेश भी हो गए, बचपन से मैं उनको देखता था, रॉबिन बिश जो मेरे आइडल थे बचपन से ही, उनको देखता हूँ। फिर उनसे जब मिलने का मौका मिला, तब उनके जब साथ बराबर में खेला, तब मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, मैं इस करियर अपना फील्ड बना सकता हूँ। वहीं परिवार का कितना सपोर्ट रहा, क्योंकि बिना परिवार के सपोर्ट के शायद कोई भी बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता? नहीं, फैमिली का सपोर्ट तो मुझे हमेशा से रहा है, क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं सीकर जैसी जगह इसमें क्रिकेट खेलने को सोच भी नहीं सकता था। तो यहाँ पे मेरी फैमिली एक ऐसी थी जिन्होंने मुझे कभी पढ़ाई के लिए फोर्स नहीं किया, कभी ऐसा नहीं बोला क्रिकेट मत खेलो, इसमें कोई कैरियर, हमेशा पापा मम्मी सब लोग हमेशा काफ़ी सपोर्टिंग रहे। तो अगर आपके सपोर्टिंग फैमिली होती है, तो उसको आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और काफ़ी हेल्प होती है। एक क्रिकेटर की लाइफ में कई बार बहुत टफ मोमेंट आते हैं, तो उस टफ मोमेंट में आप खुद को कैसे मोटिवेट करते हैं? नहीं, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका लेवल हेडेड होना बहुत ज़रूरी है, चाहे आपका परफॉर्मेंस है या नहीं है, आप टीम से बाहर हो रखे हैं नहीं हो रहे, आपका जो वर्क एथिक्स है, आपका जो रूटीन है, डेली रूटीन है, आपका जो ट्रेनिंग करना है, अगर वो सही रहेगा तो मेरे हिसाब से कमबैक करना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता। अगर आप उस टाइम पे अपने आप को माइंडसेट चेंज कर दो कि नहीं मैं नहीं कर सकता, अपना बिलीफ खो दो और ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचने लग जाओ जिनके बारे में आप कुछ कर भी नहीं सकते, तो वो चीज़ आपको फिर और लेट डाउन करती है। अगर आप सिर्फ अपने काम पे फोकस करेंगे तो मेरे हिसाब से कोई मुश्किल नहीं है। आपका वो जो एक क्रिकेटर जिसको आप आइडियल मानते हो, आप उसके जैसा बनना चाहते हो? अभी रोहित शर्मा, उनका बैटिंग मुझे काफ़ी पसंद है, जिस तरीके से वो स्ट्रोक्स खेलते हैं, जिस तरीके से मतलब अनबिलीवेबल नॉक्स उन्होंने कहीं खेले हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उनको फॉलो करता हूँ काफ़ी उनको। अब राजस्थान की क्रिकेट की हालत हम सभी को पता है, लेकिन आपसे कहीं छोटे बच्चे भी हैं जो क्रिकेट स्टार्ट कर रहे हैं, तो इतनी कठिन परिस्थितियों में आप उनको क्या मतलब क्या साझा करेंगे कि वो कैसे परिस्थिति से आगे आए? जी, सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि आपको अपने ऊपर बिलीफ होना चाहिए कि आप जो आपके अंदर जो एबिलिटीज़ हैं, आपके पास जो टैलेंट है, वो काफ़ी है आपको इंडिया खेलने के लिए, और सबका सपना होना चाहिए इंडिया खेलने का। अगर आप इंडिया खेलने का सपना देखेंगे तभी आप उस हिसाब से मेहनत कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। दूसरा ये है कि चीज़ों को अगर नहीं है आपके फेवर में, तो उनको आपको अपने फेवर में आप ही ला सकते हैं, और कोई आपकी हेल्प नहीं करने वाला है। तो आपके पास जो बेस्ट पॉसिबल चीज़ें हैं, जो बेस्ट पॉसिबल साधन है, उनका बेस्ट यूज़ करें, और अपनी बॉडी, अपनी फिटनेस, अपने प्रैक्टिस के ऊपर अगर आप फोकस करेंगे तो डेफिनेटली आप सक्सेस पा सकते हैं। आपने फिटनेस की बात की, तो आज की क्रिकेट में फिटनेस शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो खुद को फिट रखने के लिए आप क्या करते हैं?
जैसे अभी हम ऑफ सीजन होता है तो उस टाइम पे काफी हैवी ट्रेनिंग करते हैं, आप ट्रेनर्स हायर कर सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हायर कर सकते हैं, आपको जो डाइटिशियन है वो आपको हेल्प कर सकते हैं उस चीज के अंदर, आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है पूरा आप उसका चार्ट रख सकते हैं। और फिटनेस को अगर आप ऐसी चीज है कि आप अगर 5-6 दिन रेगुलरली करेंगे तो उसके बाद आपको मजा आने लगेगा, आपकी बॉडी आप उस फिटनेस को एंजॉय करने लगेगी, तो आप फिर मोटिवेट होंगे। और आपको जब पता चल जाएगा कि फिटनेस करने के बाद अगर आप खेलते हैं तो बॉडी में कितना वो रहता है, एनर्जेटिक फील करते हो, आपको इंजरीज कम होंगी, तो आपको परफॉर्मेंस अपने आप इंप्रूव हो जाएगी, तो उसको लेके आप अपने आप को हमेशा फिट रख सकते हैं। आखिरी सवाल, क्रिकेट के फील्ड पे आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? मेरे हिसाब से तो यश है, यश कोठारी है, क्योंकि हम बचपन से साथ खेलते आए हैं और हमेशा रूम पार्टनर्स भी हम लोग ही होते हैं, तो मतलब एक दूसरे गेम को भी काफी समझते हैं हम लोग, तो मेरे हिसाब से मेरा बेस्ट फ्रेंड यश ही है और हम एक काफी एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। अभी दोनों एक ही परिस्थिति से जूझ रहे हैं तो दोनों एक दूसरे को मोटिवेट कैसे करते हैं? बस वही है, हम जब भी बात करते हैं मैसेज पे या फोन पे, एक दूसरे की परफॉर्मेंस पे जब एक दूसरे को देखते हैं अच्छा, तो एक दूसरे को हमेशा ये बोलते हैं कि भाई आप करते रहो, आपको जो डिजर्व करते हो अपनी लाइफ के अंदर, आपने जो हार्डवर्क किया है वो कभी वेस्ट नहीं होगा, आपको जो डिजर्विंग चीज है, आप जितनी मेहनत कर रहे हो वो आपको जरूर मिलेगा। तो ये था आदित्य गढ़वाल, जिनका कहना था कि खुद पे विश्वास रखें, आप लगातार मेहनत करते रहें, क्योंकि अगर आप मेहनत करेंगे तो सफलता आप जरूर पाएंगे, और ज्यादा दिन तक सफलता आपसे दूर रह नहीं सकती अगर आप लगातार मेहनत करेंगे। कैमरामैन रवि शर्मा के साथ लक्ष्य शर्मा, न्यूज़ इंडिया, सीकर।